નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું ઝારખંડ સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે જોઈએ આજના સમાચાર વિગતવાર. राजस्थान से सबसे बड़ी खबर प्राप्त हो रही है कि मनीष रबारी नागर राजकोट से उन्होंने कुछ दिन पहले जालौर जिले के पाथरी गांव में कुछ दरिंदों ने मिलकर एक रबारी समाज की बेटी के साथ बलात्कार की घटना की थी. अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है और उस पांच दरिंदों को फांसी नहीं हुई है. मनीष रबारी नागर राजकोट सरकार प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि हमारे रबारी समाज की लड़की को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और पांच दरिंदों को फांसी हो. रिपोर्टर सुरेश राज पुरोहित के साथ स्पीड न्यूज 17 बार. पिछले एक महीने से लगातार जालौर जिले के पाथेड़ी गांव के साइला गांव में जो बहन संगीता के साथ पांच बलात्कारियों ने बलात्कार किया और बाद में उनकी हत्या करके जंगलों में फेंक दी गई है, तो उस मामले में राजस्थान सरकार एकदम सोई हुई है. आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और होटलों में पालटी कर रही है, वॉल्वो बस में घूम रही है. और फिलहाल अभी मैंने एक न्यूज़ देखा है कि अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी होंगे, तो सचिन पायलट जी से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री बने उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है. लेकिन सबसे पहला मामला आपके ध्यान में जालौर जिले के पाथेड़ी के साइला गांव का ही आना चाहिए और बहन संगीता को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें, मेरा यही निवेदन है. और अगर कांग्रेस सरकार उन पांचों दोषियों को फांसी नहीं दे सकती तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दे, छोड़ दे उन्हें. हमारे में ताकत है उन्हें सजा देने की और हम लिख के देते हैं रबारी लोग कि वो पांचों सरकार को हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमको कानून हाथ में लेने पे मजबूर ना करे. हमारा दूसरा किसी से कोई लेना देना नहीं है. हम सबकी इज्जत करते हैं, सारे समाज की इज्जत करते हैं, चाहे मेघवाल हो, राजपुरोहित हो, राजपूत हो, रबारी हो, गुज्जर हो, जाट हो, सब हमारे भाई बहन है और सब हमारे माता पिता है. लेकिन हमारा विरोध सिर्फ दोषियों से जो खराब काम करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, गरीब आदमी से गरीब लोगों से पैसे ऐंठते हैं, ऐसे लोगों से ही विरोध है हमारा. बाकी हमारा किसी से विरोध नहीं है. और हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि बहन संगीता को न्याय दो और अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो मजबूरन हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा और हम और किसी को कुछ नुकसान नहीं करेंगे. हमारा फोकस सिर्फ वो पांच आरोपियों के ऊपर ही रहेगा. सरकार फांसी नहीं देगी तो रबारी समाज उन पांचों दरिंदों को मिलकर फांसी देगा, ये तय है, ये सरकार जान ले. मेरा कांग्रेस सरकार से सिर्फ यही कहना है कि उन पांचों दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दे और हमें कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर ना करे. और मेरा पूरे देवासी समाज को भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो 5 तारीख को हमारी महारैली होने वाली है उसमें किसी प्रकार का कोई आओ हल्ला ना करे और हमारे रबारी समाज की इज्जत बनाए रखे और ना ही कोई मारकूट या ऐसा कुछ ना करे जिसे हमारे समाज की इज्जत खराब हो और हमारे समाज पे कोई उंगली उठाए. हम एक सभ्य समाज है तो सारे रबारी भाइयों से और देवासी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे सभ्य होने का परिचय दे. अगर 5 तारीख के बाद इसके ऊपर अगर सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती है तो उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे आगे क्या करना है. और हमारे को दूसरे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, दूसरे चाहे मेघवाल परिवार से भी कुछ लेना देना नहीं है या किसी से परिवार से कुछ लेना देना नहीं है. हमारा सिर्फ एक ही फोकस रहना चाहिए कि जिसने गुनाह किया है उसी को सजा देनी है, बाकी किसी गरीब के घर को नुकसान ना पहुंचाए और कोई भी दूसरी तोड़फोड़ ना करे, सरकार का विरोध करे लेकिन कोई गरीब को और किसी आदमी को नुकसान ना करे. यही मेरा निवेदन है. मैं मनीष रबारी नोंगो राजकोट से सुरेश जी राजपुरोहित जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज राजस्थान गवर्नमेंट से पहुँचाए. जय गोगा, जय जेतेश्वर, जय माता जी.